नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सातवें चरण का चुनाव बहुत तेजी से ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है कि अब आप देखेंगे कि जनमत का फैसला लगभग होने के अंतिम कगार पर पहुंच गया है। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का रण जिन सात चरणों पर आपकी नजर थी, अब उसके इतिश्री होने की कगार पर पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है। 24 करोड़ से अधिक की जनता ने सब कुछ तय किया, उन मुद्दों पर बात की, उन मुद्दों पर बात सुनी और अब जनमत का फैसला आने वाला है। क्योंकि वो इंतजार तो आपका 10 मार्च को खत्म होगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जिस वोटिंग ट्रेंड पर पिछले चार चरणों में हम सब ने बात की, देखा कि लगातार मतदान का प्रतिशत कमोबेश गिरा, जबकि लगभग 7 घंटे बीत जाने के बाद स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के सातवें चरण के अंतिम चरण के इस मतदान में 35% से अधिक मतदान हो गया है। साथ ही साथ लंबी लाइनें हर एक मतदान केंद्र पर उन 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहा है, वो काम आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे का कारण हमने आपको पहले भी बताया, बराबर चर्चा की कि बनारस अर्थात काशी नगरी किस तरीके से राजनीति का केंद्र बनी थी उन सभी पक्षों के लिए, उन सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, उन पुरोधाओं के लिए, उन बड़े नेताओं के लिए जिन्होंने काशी को ही राजनीति का केंद्र बनाया, खास करके सातवें चरण के अंतिम दौर के चुनाव प्रचार के संदर्भ में। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन तक काशी में वो सब कुछ करते रहे, उस तथ्य को साधते रहे जिसकी बदौलत उनके नजरिए से भाजपा को अंतिम और प्रभावी बढ़त मिल जाए, जबकि अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी इस बात को साबित करने के लिए कि अब की भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा करके वो रहेंगे, जबकि साइलेंट वोटर्स पर टिकी मायावती की निगाहें इस कदर प्रभावी रही कि अब दोनों की नींद उड़ गई है कि आखिर में इस अंतिम चरण में बहुजन समाज पार्टी क्या करने जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले कि मैं उनसे बात करूं, ये जानकारी दे दूं कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का काम बेहद संजीदा और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है और अब जो मतदाता अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो ईवीएम तक पहुंचे और बटन दबाएं, उन सब में भी एक व्यग्रता की स्थिति है, क्योंकि उन्होंने ही यह तय किया है कि कोई राजनीतिक पंडित यह अनुमान लगा ना पाए कि 7 चरण के इस चुनाव कार्य में, इस चुनाव प्रक्रिया में उनका जो मत रहा, उनकी जो सोच रही, उसके बारे में सब ये सोचते रहे कि आखिर ये हुआ क्या। सचमुच में उत्तर प्रदेश का ये रण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता ने यह दिखा दिया कि सबको उसने अपनी कसौटी पर परखा है। कौन खरा उतरेगा 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन वोटिंग ट्रेंड जो अभी तक चल रहा है इस अंतिम दौर के चुनाव के संदर्भ में, हम सीधे अनूप से जुड़ रहे हैं और अनूप से ही कुछ सवाल करते हैं जो शायद इस अंतिम दौर सहित उन तमाम मुद्दों पर एक बड़ी हाइलाइट्स हो जिसके बदौलत और जिसके जरिए आप उस अनुमान तक पहुंच सकते हैं कि 10 मार्च को होने क्या जा रहा है। अनूप, बहुत बहुत स्वागत। क्या लग रहा है आपको सातवें चरण के इस मतदान के संदर्भ में? जी देखिए, आज चूंकि आखिरी और सातवां चरण है, जैसे कि बताया आपने भी, तो पूरी चोटी के जोर लगा रखा है सभी दलों ने, चाहे बीजेपी हो, सपा हो या बसपा हो या अपना दल सहयोगी जो पार्टियां हो, सभी ने इसी चोटी का बाकायदा जोर लगा रखा है कि क्योंकि पूर्वांचल का ये जो क्षेत्र है ये बड़ा क्रूशल है दोनों के लिए, क्योंकि यही क्योंकि मात्र अब यहाँ पर 54 सीटें खाली बाकी है जिसमें मतदान हो रहा है, तो 54 सीटें खाली बाकी होने का मतलब ये हुआ कि जिस पार्टी को बहुमत मिलना था वो लगभग लगभग वहां पहुंच चुका है।
और ये 54 सीटों में से जो सीटें ज्यादा जिसके पास आएंगी वही उसी को एज मिलेगा, उसी को बेनिफिट मिलेगा बहुमत के रूप में, 202 के ऊपर जो भी आएंगी। तो जाहिर सी बात है सारे दलों ने, सपा मुख्य रूप से सपा और भाजपा ने पूरा इन्हीं चोटी का झूल लगा रखा है। और मतदान का भी प्रतिशत है वो भी कुछ खास है, मतलब जिसे कहा था कि एवरेज है, बढ़िया है, ना कुछ आप ज्यादा अच्छा कह सकते हैं ना ज्यादा खराब कह सकते हैं, लगभग 35% के आसपास का अभी एवरेज आ चुका है, मतलब 1 बजे तक की बात जो सूचना आई है। तो मतदान भी अच्छा ही जा रहा है लगभग लगभग, और सारे दल बिल्कुल जैसे कहा सपा अभी जैसे कुछ खबरें आई है कि कुछ जगह पे ईवीएम मशीनें भी कुछ गड़बड़ होने की आई जिसको रिप्लेस किया गया है। तो एक एक चीज पे पहली नजर रखी जा रही है क्योंकि ये चुनाव का जो चरण है सबसे बड़ा क्रूशियल है। और खास तौर पर अगर मैं कहना चाहूंगा ये बीजेपी की एक बड़ा क्रूशियल चरण है क्योंकि बीजेपी 2017 में भी यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं पा पाई थी, लेकिन सपा भी यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं निकाल पाई थी। तो कहने का मतलब इतना ही बनता है कि ये चरण सपा और भाजपा क्योंकि दोनों के बीच में ज्यादा टक्कर है। और तीसरी अगर त्रिकोणीय मुकाबला कहा जाए, जैसे जौनपुर में कहा जाए, मऊ में कहा जाए, तो जो बसपा है बिल्कुल वो यहाँ से गेन करना चाहती है कि वो मैक्सिमम कितनी सीटें यहाँ से निकाल सकती है। तो बड़ा ही दिलचस्प नजारा इस समय है, दिलचस्प मुकाबला भी चल रहा है कि कैसे अब ये एज कौन सी पार्टी एज प्राप्त करने, कौन सी पार्टी तक बहुमत का जो जादू आंकड़ा उससे और आगे निकल जाए, क्योंकि बहुमत के आंकड़े के पास कोई ना कोई पार्टी बहुत दिन होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अब ये एज ये किसके पास है, 202, 240, 50, 55, 60 जो भी नंबर आता है, ये बड़ा क्रूशियल है। 54 सीटों में से कौन कितना निकाल सकता है, पिछले अब बीजेपी खाते में 29 सीटें आई थी इसमें से, तो अब ये जबकि वो लहर थी अब इसमें से कितना निकाल सकती है ये बीजेपी के लिए क्वेश्चन मार्क है। तो एडी चोटी उपयोग लगा हुआ है, दिलचस्प मुकाबला है, अब देखना है कि यहाँ की पार्टी कितना एज मिलता है। जी अनूप, एक बड़ा सवाल है और अब आपसे मैं वही सवाल करूंगा जिस पर शायद चर्चा अभी तक नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी इस चरण में 10 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है और समाजवादी पार्टी पहले ये सोच रही थी कि उसको बहुत बड़ा गेन होने वाला है। आप समझ सकते हैं, आपने जौनपुर का नाम लिया, मऊ और आजमगढ़, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम सिर्फ संकेत पर ही ये बातें कह सकते हैं और सांकेतिक तौर पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है इस चुनाव में भी, और मैं यही चुनाव सीखने चाहूंगा, आप 2017 का चुनाव भी ले लीजिए और जबकि मायावती का थोड़ा सा डाउन था, उसके बावजूद 2017 में भी ये बात रखी गई थी, चुनाव आने से पहले ही जो लखनऊ में अम्बेडकर पार्क है वहाँ हाथियों की साफ सफाई शुरू हो गई थी कि हो सकता है कि मायावती का आने वाला, जैसे इस बार सपा के जो अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव के बंगले साफ सुथरे होने लग गए हैं। तो कहने मतलब इतना ही है कि मायावती को किसी भी चुनाव में कम नहीं आता जाता है, भले ही नंबर कितने आते लेकिन उनको एक जिसे कहा जाए अंदर दौड़ रखा जाता है। इस बार भी मायावती का जो रोल है, जो बहुत से लोग बता रहे किंग मेकर का बनने वाला है, कम से कम उनके पास अच्छी सीटें आ जाएंगी जो किसी एक दल को काफी मार्जिन दे सके। जैसे कि सभी जान रहे कि बीजेपी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही है, तो बीएसपी का फेसर जौनपुर का है, मऊ का है, आजमगढ़ है, तो कई जगह पर इनकी सीधे सपा और बसपा का ही मुकाबला है, बीजेपी उसमें तीसरे नंबर पे है, इन 54 सीटों पर। अनूप, इन 54 सीटों पर प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट दखल दी है, ये एक अहम सवाल है, और इन 54 सीटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस अनुमान पर पहुंच जाएगी कि 202 के आंकड़े को उसने पार कर लिया है। हम अभी नंबर्स पर जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री की वो कोशिश, वो मुहिम आपको सफल होती हुई दिख रही है? देखिए जैसा जी, मुद्दा इतना है कि पीएम यहाँ पर 3 दिन रहे, अब उस 3 दिन में उन्होंने बहुत कुछ बदला है। देखिए मोदी या योगी से जनता का कोई बैर नहीं है, ये जमीनी हकीकत से जानने में पता लगता है। जब आप जमीनी स्तर की आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उसे पता लगता है कि किसी को मोदी या योगी से कोई बैर नहीं, लेकिन जो उनके सिटिंग एमएलए थे उनके प्रति रोष, बीजेपी के सिटिंग एमएलए थे उनके प्रति रोष जनता में काफी है, तो उसका खामियाजा ही भुगतना पड़ रहा है। अब काशी की बात आती है, काशी वाराणसी की बात आती है, तो वाराणसी पूर्वांचल की तरह से कहा राजधानी है, वो पूर्वांचल के केंद्र में आता है, तो वाराणसी में 8 सीटें आती, 8 सीटों में
अब आपको मैं अगर थोड़ा सा खुल के बताऊँ तो जो दक्षिण जो वहाँ के दक्षिण का एरिया आता है जिसमें मंत्री पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी प्रत्याशी है, उनकी स्थिति जनता का रोज साफ दिखाई देता है। उन्होंने एक दिन पहले ही प्रचार के एक दिन पहले ही उन्होंने अपने मारने के लिए भी पोस्ट किया था, माफी मांगी थी कि क्षमा कर दिया, अगर कोई गलती हो गई आगे से सुधार करेंगे, और काफी मान वीडियो आया था बाहर आया था। तो कहने मतलब ये है कि अब वो क्षेत्र ऐसा है जो जिसपे नीलकंठ तिवारी खड़े हैं, वो काशी का पूरा क्षेत्र जहाँ मंदिर बना हुआ है, पूरा इतना कॉरिडोर बना हुआ है। तो सोचिए अगर वो सीट अगर बीजेपी खोती है तो मोदी की बीजेपी इसमें मतलब मोदी के लिए जो दिखाई देगा, मोदी के विपक्ष सीधे सीधे मोदी पर ही आक्रमण हमला करेगा कि देखिए आपने मंत्री बनाए लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, वहाँ कितना रोष था। कहने का मतलब मैच नहीं है कि जो सिटिंग एम एल ए उनके प्रति रोष ज्यादा है, लेकिन पीएम मोदी के आने से दिन पीएम मोदी बीजेपी के सारे बेमास्क हैं। आखिरी में आपने देखा हो योगी का चेहरा खत्म हो गया सातवें चरण में और मोदी का ही चेहरा, क्योंकि काशी में मोदी है, योगी भी उनसे बहुत नीचे है, काशी में मोदी ही मोदी है। तो मोदी ने अपना प्रवास वहां बनाया तीन दिन का और उन्होंने काफी हद तक जो बीजेपी की जो जिसे कहा जाए कि एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर थी उसको कम करने की कोशिश की है। आठ सीटों में से जो दो तीन सीटें खतरे में दिखाई दे रही थी, अब उम्मीद है कि शायद कुछ उसके असर पड़े मोदी के आने का, लेकिन इतना जरूर है कि मोदी ने वहां से कई लोगों से बातचीत की है, कई लोगों से लगभग 150 विशेष लोग थे उनसे मिलकर बैठक की, उनके साथ बातचीत की, सीटों पर गहरी चर्चा भी की है। तो कुल मिला के इतना है कि हाँ मोदी के आने से माहौल बेशक बदला है और कुछ जैसे कि आज मोदी के चेहरे पर ही वाराणसी के अंदर बुकिंग होगी ये तय बात है, क्योंकि सिटिंग एमएलए है उनके खिलाफ काफी रोष है, काफी रोष का मतलब कह रहा हूँ कि बहुत जैसे कहा दबाव दिखाते हैं, बिल्कुल काफी रोष है सिटिंग एमएलए के खिलाफ। अनूप जी आप ये भी जानकारी दे रहे हैं और हमें जो इनपुट्स मिले हैं कि मोदी के लगभग 48 घंटों के प्रयास का असर सीधे सीधे भदोही पर पड़ा, चंदौली में पड़ा, पूरे वाराणसी काशी में पड़ा, मिर्जापुर में पड़ा, और इसके अतिरिक्त उसके कुछ छींटे या उसका कुछ प्रभाव आधे जौनपुर पर भी पड़ चुका है। ये एक पुख्ता जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें आप कुछ और वृद्धि करें इस जानकारी में। मेरा ये सवाल है कि अगर मोदी की लहर, मैं बार बार, और बहुत ही सही बात आपने कही कि काशी नगरी से मोदी को इस तरीके से उतारा गया संगठन की तरफ से और मोदी ने पूरी ताकत झोंकी, एक भावुक अपील भी कि वो उन्होंने जब वो लास्ट बार संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा भी कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव का मेरा आखिरी संबोधन है और हाथ जोड़ करके उन्होंने वोट मांगा। सवाल यह है कि अगर इन 4-5 जिलों में एक बड़ा बदलाव वो कर सके, जो एंटी इनकम्बेंसी वो स्थानीय विधायकों के प्रति था, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, तो फिर तो वो सब कुछ भाजपा ने गेन कर लिया जो भाजपा चाह रही थी। आखिरी जो चरण है जो है वो मोदी के ही जैसे कहा जाए फेस पे आ गया, और ये बड़ी चालाकी से बीजेपी ने इसको भी काम को किया है कि मोदी बनाम असलियत कर दिया है कि योगी को भी किनारे कर दिया सातवें चरण में, जो पूर्वांचल के एरिया, पूर्वांचल के एरिया जहाँ से पीएम मोदी बनारस से जहाँ से वो लड़ रही इसीलिए थी पूर्वांचल उनके लिए बिल्कुल जैसे कहा कवर हो जाए। अब पूर्वांचल का वोट बैंक देखिए, यहाँ पर पूर्वांचल का वोट बैंक वो ब्राह्मण भी इसमें अधिक है, क्षत्रिय भी अधिक है, ओबीसी भी अधिक है, तो ये जो जैसे कहा जाए वोट बैंक है ये बीजेपी का वोट बैंक है। लेकिन आजमगढ़ आप निकल आते हैं जिसे कहा सफलगढ़ माना जाता है, मऊ निकल आते हैं, जौनपुर निकल आते हैं, ये एरिया थोड़ा सा बीजेपी के लिए बात साइड लाते हैं। यहाँ पे पहले भी इनके बीजेपी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर लेने के प्राप्त करने के लिए, लेकिन मोदी के आने से ज्यादा कुछ नहीं था, मेरे कुछ तो निकाल ही सकते हैं, जिस बीजेपी को गारंटी थी और उम्मीद है कि शायद उसका फायदा मिलेगा भी आजमगढ़ हो गया या मऊ हो गया, क्योंकि मऊ में आज देखिए पास अंसारी के जो एक बयान मंच से खुली धमकी दी थी और उसके लिए निर्वाचन आयोग ने उनके लिए 24 घंटे तक प्रचार करने से रोक लगा दिया। तो आज जो मऊ की स्थिति बता रहा हूँ मैं, जो पास अंसारी की जो सीट है वहाँ से महिलाओं की जो वोटिंग जिसके कारण लाइन लगी हुई है महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं की बिल्कुल लाइन लगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अब्बास अंसारी जिनके पिता मुख्तार अंसारी की जगह पे खड़े हुए हैं, उनकी जगह पे खड़े मुख्तार अंसारी जेल में है, उनकी जगह दूसरा लड़का खड़ा है। अब ये देखने वाली बात है कि महिलाएं क्या चाहती है, महिलाएं सुरक्षा चाहती है कि वो अब्बास अंसारी को जिताना चाहती है, वही मुस्लिम महिलाएं वहाँ वोटिंग कर रही है जो कि साफ का वहाँ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आजमगढ़, मऊ और साथ में आपका जौनपुर, ये तीन जिले तो बीजेपी के लिए जिसे कहा जाए थोड़ा सा
गेनिंग वाले नहीं, क्या मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ से बीजेपी को ज्यादा कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, वैसे ना मिलने की ज्यादा उम्मीद यहाँ लगती है, ये बीजेपी नहीं समझती। लेकिन आप चंदौली आ जाते हैं, भदोही आ जाते हैं, आप बनारस आ जाते हैं, तो ये जगह जो है, हाँ जिसे कहा जाए कि बिल्कुल स्विंग करने वाली बात आती है। मोदी के आने से ही मोदी ऐसे नेता है कि 20-25 हजार वोट से उधर उधर कर देते हैं, बड़े आराम से कर देते हैं, उनके एक भाषण में हो जाता है, ये सब जानते हैं। तो बिल्कुल इन जगहों पर बीजेपी ने साधने की कोशिश की गई, जहाँ से 29 सीटें पिछली बार बीजेपी 2017 से लाई थी, तो कम से कम उससे ज्यादा ना जाए, तो उसके आस पास पहुंच जाए, ये बीजेपी की कोशिश जरूर है। बाबा का बुलडोजर बनाम गुंडागर्दी और उस पर मोदी के डबल इंजन की बात कुछ दमदार हो गई या बात बन गई? हाँ, ये अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा जी, कि लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ बुलडोजर, कानून व्यवस्था और डबल इंजन, ये तीनों सारे मुद्दों में ऊपर एक के नीचे भी आता है। बेरोजगारी की बात आती है, बहुत जिसे कहा जाए कि कल तो परसों से बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लड़के जा रहे हैं कि प्रयागराज स्टेशन से और सपा के नारे लगाते, तो पहले मुद्दा युवा में एक अलग जोश है इस समय, वो बेरोजगारी के नाम पे वोट कर रही है। अच्छी चीज है कि अगर सत्ता युवाओं को रोजगार ना दे सके तो उस सत्ता के लिए क्या करें थे, बिल्कुल युवा में एक जोश है, क्योंकि काफी समय से बेरोजगारी, रोजगार के नाम से कुछ नहीं मिला, 2 साल कोरोना ने खा लिया, रोजगार के नाम से कुछ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल युवा में जोश इस तरह का है कि वो रोजगार के नाम पे अधिक वोट दे रहे हैं। लेकिन साथ में जो और लोग हैं जिसे कहा जाए, वो कानून व्यवस्था और जो बाबा की हर सभा में बुलडोजर दिखाई दे रहा, तो बिल्कुल वो दौड़ के चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि लहर चली है, और लहर लेकिन अंडर करंट है, ये बाहर से नहीं दिख रही लहर, अंडर करंट चल रही है, जिसको समझने में बहुत मुझे और थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा है कि ये अंडर करंट है, देखिए हमेशा से एक निकल के आता है, आप पहला दूसरा चरण देखिए, जब शुरू हुआ था तो उसके बाद बड़ा वायरल हुआ था कि मुस्लिम वोटर घर से बिल्कुल निकल रहा है, 90% 95% उसकी वोटिंग हो रही है, इतना कहना था कि बस यहीं से 22 अप्रैल शुरू हो गया चुनाव, और हिंदू जब भी मुस्लिम अफसानों को भी निकलता है तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हिंदू की घर से निकलता है बाहर से, बस वही चुनाव ये हुआ है, अंडर करंट है, ये पकड़ने में बहुत से लोग नाकाम है, लेकिन जो जमीन से जुड़े हैं, जमीन से रिपोर्टिंग, जीरो ग्राम से रिपोर्टिंग करते हैं, वो जान रहे हैं कि हाँ ये अंडर करंट है बीजेपी के लिए, और जिसको साथ में लाभार्थी पूर्वांचल के एरिया में लाभार्थी बहुत है, साथ में अपना दल अनुप्रिया पटेल के जी से कहा जाए तो उनका एक अपना वहां पर खासा प्रभाव है, तो सपा के लिए चुनौती ज्यादा बहुत है और बीजेपी के लिए कुल मिला के इतना कह सकते हैं कि हाँ टक्कर सभी दे रहे हैं, अखिलेश अकेले खड़े होते बीजेपी की जिसे का लाल लक्ष्य के सामने, अखिलेश अकेले खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अखिलेश ने यही चुनती की सारा प्रचार उन्हें अपने कंधे पर रखा, वो बात नहीं पाए किसी को, और बात क्यों ना बात है, देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, जो सपा की जो पालकी उठा रहे थे, आप समझ लीजिए उसी राज पर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य है, दास जी चौहान, धर्मपाल सैनी है, इनको बीजेपी ने इन्हीं के क्षेत्रों में बांध दिया, इनको बाहर नहीं निकलने दिया, इनको बाहर प्रचार करने ही नहीं दिया, अपने क्षेत्रों में बंद के रह गए, ऐसा बीजेपी और भाजपा ने मिलकर दोनों ने मिलकर बांधा इनको, तो ये इनका फायदा जो था वो सफल नहीं उठा पाई, अगर चारों बाहर आते सारी कुछ होता, लेकिन ये चार खुद अपनी सीट बचाने के जद्दोजहद में लगे हैं, और निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे इसी वहां पर अभी लगे बने हुए हैं, तो कुल मिलाकर सभा के लिए अखिलेश यादव के लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहा कि वो अकेले ही चुनाव प्रचार अपने कंधे पर ले रहे, और किसी को ये प्रचार का हिस्सा नहीं बना, कोई नेता इनकी तरफ से नहीं बाहर निकल पाया। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा अनूप जी, राजभर तो बहुत डींगे और दम भर रहे थे, बहुत सीधा सवाल है, क्योंकि उनका भी लिटमस टेस्ट होना है। देखिए ये दल बदलू लोग जो हैं, एक चीज बताना चाहूंगा मैं आप, उनके ऊपर जो जनता है वो इतना विश्वास नहीं कर सकती, उनका एक स्थायी वोट बैंक नहीं बन पाता है, क्योंकि अगर ये आप देखिए 2019 चुनाव में राजभर बहुत चिन्हतान के निकले, लेकिन कुछ नहीं हो पाए, लेकिन जातिगत में यही दिक्कत होती है कि सारी जातियों को जो ठेकेदार बनने की कोशिश करता है तो जनता उसको जवाब अपनी तरह से दे देती है चुनाव में, बस यही ये चीज नेता नहीं समझ पाते हैं। ओपी राजभर अपनी ही सीट पे फंसे हुए हैं, सादा फातिमा बड़ी मजी बात है, जो सपा से बसपा से आ गए, बसपा में भटवा नाजुवाल हाल है, सपा वाले कालीचरण इसमें आ गए, बसपा के बसपा में सारा फातिमा आ गई, दोनों ही बहुत ही जिसे कहा जमीनी नेता है, और ओपी राजभर को बिल्कुल भेद रखा उनके क्षेत्र में, इसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य आप देखिए वो अपने क्षेत्र में घिरे हुए बाहर प्रचार कर ही नहीं पाए, तो बीजेपी में भी बड़ी अच्छी रणनीति से अपनाई से दूर हो रहा है, नहीं है कि उनको उन्हीं के क्षेत्र में बांध के रख दिया, बाहर निकलने ही नहीं दिया कि आप बाहर निकल के कोई प्रचार उचार कर पाए, तो ये रणनीति बीजेपी ने करी और ये बांध के रखने में कामयाब है। एक चीज में जरूर एक मेंशन करना चाहूंगा कि जो सपा का जो संगठन है, देखिए
बीजेपी को इतना हल्के में लेना जो लेते हैं वो या तो राजनीति को समझते नहीं है या वो भी नए नए नौसिखिया बन के आए बीजेपी का एक अपना संगठन है इसको समझना चाहिए। सपा का संगठन कहीं नहीं दिखाई देते जहाँ सपा जहाँ अखिलेश यादव जाते थे उस संगठन के खाली जो कार्यकर्ता या नेता जिन्हें आते हैं वो सिर्फ अपनी फोटो दिखाते थे वहाँ से अखिलेश यादव का संगठन ने वहाँ कुछ नहीं किया ये नीचे जाने में पता लग जाता है वहाँ पे सिर्फ अखिलेश यादव साथ में फोटो खिंचाना है साथ में वीडियो बनाने तक इसके अलावा कुछ नहीं करने लगता। बीजेपी का एक अपना संगठन है आप उसको ऐसे निर्मित नहीं कर सकते और आप मैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं और साफ तारीख आज है और हम उम्मीद है कि कल हम लोग बैठ के बात भी करेंगे इससे जो बता भी देंगे कि बीजेपी कितनी सीटें लाएगी ये भी हम लोग अनुमत लगा बता भी देंगे क्योंकि अनूप जी हम ये स्पष्ट कर दें कि जो हमारी ये वार्ता चल रही है और हम लोग परोक्ष रूप से जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं वास्तव में हम वो जानकारी दे रहे हैं जिससे हमारे सुधी दर्शक और वो ये समझ सकें कि वास्तव में स्थिति होने क्या जा रही है पार्टियों की। इसीलिए हम इनडायरेक्ट में सवाल कर रहे हैं और आप भी उसको इनडायरेक्ट में जवाब दे रहे हैं लेकिन देखने वाले ये समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होने जा रही है 10 मार्च को, इसलिए इस चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये सवाल अब आपसे करना चाहूंगा, उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा कि लगता है कि अखिलेश यादव से एक बड़ी भूल हो गई और वो जो भूल हुई भारतीय जनता पार्टी के तमाम भूलों पर वो भारी पड़ गई और यही अखिलेश यादव के लिए मुश्किलों का कारण बन गया, हालांकि वो बड़ी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जी सपा की अपनी जो एसेट क्या है मतलब उनका अपना गेम क्या है, वो उनका अपना गेम ये है कि जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो एंटी कैपेसिटी है उसको भुनाना चाहते हैं और साथ में MY फैक्टर जिसकी चर्चा बहुत हो रही है चुनाव में M फैक्टर जिसका है पिछले 2017 में वो M फैक्टर दूसरे दलों में कट गया था इस बार वो पता नहीं है मतलब क्या अगर ये कहा जाए कि एक कौम का एक तरह से राजनीतिक समर्थन जो दिखाई दिया है वो ऐतिहासिक है इस चुनाव में पूरी एक कौम इस तरह से राजनीतिक दल के प्रति समर्पित हो गई है। लेकिन फिर मैं आ जाता हूँ लेकिन जब ऐसा होता है तो बीजेपी को फायदा करता है ना कि नुकसान करता है ये बात ध्यान रखने वाली होती है। जब एक कौन यहाँ पे समर्पित होती है अपने समर्पण करती है तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए वही आक्रामकता उसके फायदे के लिए निकल आती है क्योंकि दूसरा उत्तर है। मैं आपके इस बात को थोड़ा स्पष्ट कर दूं, थोड़ा स्पष्ट करूंगा लेकिन वो भी परोक्ष ही होगा। जब आप कौम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव ने जिस माई कॉन्सेप्ट को इतना बढ़ा चढ़ा करके चुनाव के पहले ही पेश कर दिया और उसके बाद जिस पर सारे राजनीतिक पार्टियां हमेशा चर्चा करती रही हैं या संदेह व्यक्त करती रही हैं, अब की वो काम विपक्ष ने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को वो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और जब उन्होंने ये काम कर दिया तो उस काम का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और ये सातवें चरण अंतिम चरण तक आने तक वो स्थिति दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल आपने इसको और स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा था कि जब भाई सपा के लिए वही है लेकिन एक बात ये कि सिर्फ माई फैक्टर के ऊपर ये चुनाव अखिलेश यादव नहीं जीत सकते जब तक कि कोई अन्य एक बड़ा वर्ग उनके साथ नहीं जुड़ता है। हालांकि अखिलेश यादव ने बहुत कोशिश की छोटे छोटे दूसरी राजनीतिक दलों को मिलाकर एक बढ़िया काफिला उन्होंने तैयार किया गुलदस्ता तैयार किया लेकिन क्या वो जुड़ेंगे ये सवाल में है क्योंकि जब माई फैक्टर आता है देखिए एम फैक्टर जब आता है तो वो बीच उत्तर तक की अलगदार हो जाता है ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है। जब एम फैक्टर आता है तो ब्राह्मण कौन अलग हो जाता है, जब एम फैक्टर आता है तो क्षत्रिय कौन अलग हो जाता है, जब एम फैक्टर आता है तो मौर्य वोट अलग हो जाती है। ये चीज ध्यान रखने वाली चीज होती है कि एम फैक्टर के आने से कितनी अलग हो रही है आपका फायदा कितना नुकसान कितना ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। साथ में जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं बिल्कुल देखिए एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिला सभी की स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है वो किस प्रकार से पहुंचा है मैं बताता हूँ आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य धर्मपाल सैनी और साथ में जो दारासिंह जब निकले थे तो बीजेपी के थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया था, बीजेपी एकदम से थोड़ा सदमे में जरूर आ गई थी, बीजेपी बैक फुट पे आ गई थी तो जिन लोगों के जितने टिकट कटने चाहिए थे वो टिकट बीजेपी घबराहट में नहीं काट पाई। ये एक बात का मैं यहाँ से मेंशन करना चाहूंगा कि अगर वो टिकट कट जाते तो हम दावा कर सकते थे कि सपा को इतनी आसानी से कुछ नहीं मिल सकता था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो साफ साफ मुझे कह रहे हैं भैया ये चेहरे बदल जाते तो कोई हमें दिक्कत नहीं थी उनको मोदी से पहले उनको योगी से पहले जो सिटिंग एमएलए है उन्होंने काम नहीं किया उनके प्रति रोष है वो अगर बदल जाते क्योंकि जब चुनाव शुरू हो रहे थे तो
खबर थी कि बीजेपी काफी लगभग 200 के आसपास अपने विधायकों को टिकट काटे ने वहां भी, लेकिन जब ये एकदम से स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी टीम बाहर निकली तो बीजेपी को झटका जरूर लगा था। तो इस तरीके से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी टीम में थोड़ा सा बीजेपी को पैक खुद चला दिया, जिसका नतीजा ये कि बहुमत आता नहीं आता है वो बात की, लेकिन हाँ एक बड़ा नंबर जो आना चाहिए था वो बीजेपी का इन लोगों ने कम जरूर कर दिया। लेकिन इससे सपा को क्या फायदा हुआ, आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंसे हुए हैं, रामपाल सैनी वो फंसे हुए हैं, चाहे सिंह चौहान जहाँ लगते थे वो सीट बदल के दूसरी सीट तक चले गए, तो तो उनमें भी जिस फैसले थे बीजेपी को नेता रूप कर देंगे वो अपनी सीट बताने चक्कर में इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। तो ये अखिलेश के लिए फायदा रहे या बोझ बन गए ये तो आने वाला अभी 10 मार्च में पता लगेगा कि अखिलेश को इससे क्या मिला, और अगर मिला भी है तो कितना मिला ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य टीम ने बीजेपी के नंबर दूसरी तरह से जिसको हमने विश्लेषण किया कि हाँ बीजेपी जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, उनकी वजह से थोड़ा सा सेटबैक में आगे थोड़ा ड्रॉबैक की बात। बहुत महत्वपूर्ण बातें अनूप आपने कही है और इससे आगे की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन परोक्ष तौर पर हमने जिन मुद्दों पर चर्चा की अब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि लखनऊ की गद्दी पर 10 मार्च के बाद बैठने कौन जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सबको ये सोचने पर विवश होना पड़ा और अभी होना पड़ रहा है, और आज से लेकर के 10 मार्च के 2 बजे दिन तक ये सोचना पड़ता रहेगा कि आखिर में होगा क्या। लेकिन इतना तय मानिए कि जनता ने सब कुछ तय कर दिया है, कुल 3 मुद्दों पर यह चुनाव हुआ है। ये चुनाव के दौरान चल रही बातों में अंतिम बात एवी स्टार न्यूज की तरफ से, विकास बनाम बदलाव, योगी मोदी एक फैक्टर के रूप में सामने रहे। तीसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर प्रदेश सरकार के स्तर पर नहीं रहा, वो स्थानीय विधायकों के कामकाज के स्तर पर रहा। साथ ही विधायक बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र अभी अनूप ने भी किया, उनके बाहर जाने के बाद एक चोट लगी, उस चोट से उबरने के लिए संगठन को पूरे संघ परिवार को 7वें चरण तक एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा, क्योंकि MY फैक्टर पूरी तरह से प्रभावी था और वो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित था, जबकि और वोट बैंक एक यूजुअल वे में अपना काम करते रहे जब वोट डालने की बात आई। लेकिन इस 7वें चरण के बाद स्पष्ट है कि तमाम प्रयासों के बावजूद विकास बनाम बदलाव की जो लड़ाई हुई उसमें जनता ने अपने हितों को ध्यान में रखा है, उसके सामने सुरक्षा और विकास एक प्रमुख मुद्दा है। इसका दावा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अखिलेश यादव ने भी अपनी तरफ से किया है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया है, और बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती ने भी किया है। विकास का किसका मुद्दा ज्यादा प्रभावी होगा 10 मार्च को यह पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी में उपस्थिति और भावुक अपील ने माहौल को बहुत कुछ बदल दिया है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस 7वें चरण के चुनाव के बाद तस्वीर क्या होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, हम फिर मिलेंगे 10 मार्च को और इसके बीच में भी हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वोटिंग का काम चल रहा है और जनता भारी उत्साह के साथ एक मतदाता के रूप में हर एक मतदान केंद्र पर वोट डालने का काम कर रही है। कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की समाचार खबरें नहीं है, और इस सुखद समाचार के साथ कि कुछ ही देर बाद जनता मत देकर के अपना फैसला सुला देगी और उस फैसले का इंतजार रहेगा जो 10 मार्च को सबको पता चल जाएगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।